हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉपलॉस एकेडमी। लेट्स स्टार्ट विद एन टुडे सेशन ऑन बैंक निफ्टी पे चर्चा। जैसे कि मैं लास्ट सेशन में आपको बताया था, बैंक निफ्टी काफी भी मुझे इंडिकेट कर रही है, और अगर आप क्लियरली देख भी सकते हो निफ्टी के चलते, निफ्टी का अगर कंपेयर करो तो बैंक निफ्टी काफी वीक थी और काफी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। जैसे कि आपको लास्ट सेशन बताया था, 18,350 380 का जो लेवल था वो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था। मार्केट अगर इसके ऊपर खुलता है, इसके ऊपर व्यापक ओपनिंग होती है तो अच्छा खासा अप ट्रेंड देख सकते हैं। लेकिन लगभग मार्केट ने अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग के साथ ही मार्केट ने वहाँ पे अपनी रेजिस्टेंस फेस किया। लगभग आज का जो ओपन था, आज की जो ओपनिंग थी लगभग थी 43,520 के आसपास की, और लगभग वही वही से मार्केट ने रिवर्सल ट्रेंड में फॉलो किया। 43,520 के आसपास की लेवल थी जहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग दिया, और लगभग वही से मार्केट रेजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे की तरफ मूवमेंट दिया। जैसे कि आपको लास्ट सेशन में बताया था, 43,250 एक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर सकता है मार्केट। लगभग वही हुआ, मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक करते अपने ओपनिंग दिया, और लगभग आज आज एंड एट एंड ऑफ द सेशन मार्केट ने लगभग वही पे अपना सपोर्ट भी बनाया। 43,250 एंड 43,200 ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन के आ रहा था फिलहाल मार्केट के लिए। कल के सेशन के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। अगर मार्केट ने कल इस लेवल के भी नीचे अगर ओपनिंग दे देता है तो हमें शायद कल का मूव डाउन साइड के लिए वापस से हम 43,000 की तरफ की लेवल की आप कल देख सकते हो। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी फिलहाल तो पॉजिटिव ट्रेंड में, जब तक के बैंक निफ्टी 42,900 43,000 के अपर ट्रेड कर रही है। जब तक के बैंक निफ्टी 42,900 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है तब तक के हमारा भी पॉजिटिव रहेगा। जब भी मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज कर दे तो हमारा व्यू निगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे हमारा। सो गाइस, ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी जब तक के मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करेगा तब तक के हमारा व्यू पॉजिटिव बना रहेगा। जब भी मार्केट इसके नीचे चले जाए तो हमारा व्यू निगेटिव रहेगा। आप क्लियरली देख भी सकते हो, दिन भर में 43,000 की लेवल के आसपास मार्केट ने एक सपोर्ट बनाते हुए एक रिबाउंड किया मार्केट ने एट एंड ऑफ सेशन। अगर कल के लिए अगर लेवल की बात करें तो कल के लिए जो इमीडिएट हर्डल बन के आ रहा है वो हमारे रहेगा 43,250 अपना 350 का लेवल। मार्केट को एक कल रेजिस्टेंस फेस कर सकता है मार्केट। अगर मार्केट ने ये वाला रेजिस्टेंस अगर ब्रेक कर देता है अपसाइड के लिए तो हमें इमीडिएट रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं हम। लगभग रहेगा 43,450 का लेवल ये गाइस मार्केट से चले इमीडिएट रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट। एंड अगर इस मार्केट ने अगर इस लेवल अगर मॉर्निंग में इस लेवल के ऊपर भी ओपनिंग हो जाए तो कल भी हम बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई और नया हाई देख सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर मार्केट में अगर ब्रेकडाउन दे देता है, ब्रेकडाउन का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हमारे लिए 43,000 का। अगर मार्केट इसके नीचे ओपन हो जाता है और नीचे ओपन होते ही अगर मार्केट नीचे ही ट्रेड करने लगता है तो हमें नीचे की लेवल भी लगभग 42,500 की लेवल भी हम कल ही देख सकते हैं। अगर मार्केट ने इसी लेवल पे अगर सपोर्ट ले लेता है, मार्केट ने ओपनिंग देते ओपनिंग के साथ ही एक सपोर्ट बनाता है अपसाइड के लिए मूवमेंट कंटिन्यू करता है तो शायद हम वापिस से 43,300 की लेवल और उसके ऊपर जाएंगे 43,500 की लेवल कल के सेशन में हम देखने मिल सकती है। जैसे कि आप क्लियरली अभी देख भी सकते हो, सॉरी बैंक निफ्टी ने आज अच्छा खासा सपोर्ट और फिर अच्छा खासा बेस बनाया है लगभग 43,350 के लेवल के आसपास का ही, और लगभग वही हमारा एक स्ट्रॉन्ग अभी फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस फेस कर सकता है मार्केट। तो अगर कल के सेशन के लिए अगर इंपॉर्टेंट जो लेवल बन के आ रही है वो अगर मैं ओवर डाटा के थ्रू अगर चेक करूँ, ओवर डाटा के थ्रू अगर यहाँ पे क्लियरली दिखा यहाँ पे क्लियरली देख भी सकते हो कि अच्छी खासी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 43,400 का लेवल, 43,500 ये लेवल पे काफी अच्छी कॉल रेटिंग हुई है। क्लियरली आप देख भी सकते हो 43,300 ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे गाइस कल के सेशन के लिए। जब तक के मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करना चालू नहीं करेगा तब तक के हमारा भी फिलहाल के लिए पॉजिटिव नहीं मानेंगे। जब तक के अगर कल के सेशन में अगर 43,350 के लेवल अगर पीसेसिवली क्रॉस कर देती है तो शायद हम 43,400 के लेवल भी हम कल के सेशन में देख सकते हैं। अगर अगर सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट मार्केट फेस कर सकता है लगभग वो है 43,250 एंड बाद में रहेंगे 43,100 का लेवल। ये गाइस हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर सकता है कल के सेशन के लिए। वो डाटा यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 43,200 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट बन के आ रहा है। यदि आप देख भी सकते हो अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है यहाँ पे, आप क्लियरली देख सकते हो 43,200 का लेवल
ये कल के सेशन के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन के आ रहा है, और उसके बाद नीचे जाएंगे तो नीचे जाओगे तो 43,000 के आसपास की लेवल ये काफी इंपॉर्टेंट बन के आ रही है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड में है, जब तक के बैंक निफ्टी 43,000 के अबाउट ट्रेड कर रही है, जैसे बैंक निफ्टी के नीचे क्लोज दे दे तो हमारा भी निगेटिव बन जाएगा। तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो बन के आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए, मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ या फिर आपको बता देता हूँ। जो इम्पोर्टेंट लेवल बन के आ रहे हैं वो है लगभग इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, तो बैंक निफ्टी जो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है वो लगभग है 43,500 का लेवल, एंड बाद में है 43,700, एंड आखिरी में रहेगा 43,900 का लेवल। और जहाँ मार्केट इमीडिएट सपोर्ट फेस कर सकता है वो लगभग 43,100, और नीचे रहेगा 43,000 का, एंड लास्ट वैल्यू 42,900। ये हमारे लिए कल के सेशन के लिए इमीडिएट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के आ रहे हैं, और ये हमारे स्ट्रॉन्ग सॉरी इमीडिएट सपोर्ट बन के आ रही है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के आएंगे। तो गाइस उस हिसाब से आप इस लेवल को मार्क करते हुए चलिए, उस हिसाब से आप ट्रेड बनाइए। हमारा एक अलग से टेलीग्राम चैनल भी रहता है जहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे आपको फ्री कॉल प्रोवाइड करते हैं और रेगुलर अपडेट भी प्रोवाइड करते हैं, या आप इसको भी फॉलो करते हुए आप अपना ट्रेड बना सकते हो। ये कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पज कॉल होता है, यहाँ पे आप बस पे एजुकेशनल पर्पज ही आप इसको ट्रेड करिएगा। आप एक कॉल के साथ आप अपना सेटअप के थ्रू अगर अगर मैच करता है तो उस हिसाब से आप इसको आप अप्लाई भी कर सकते हो। आप क्लियरली देख भी सकते हो मैं रेगुलर बेसिस पे निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर स्टॉक ऑप्शन का जो भी कॉल होता है या फिर इंट्राडे ऑप्शन के भी इंट्राडे कॉल भी आप प्रोवाइड करता हूँ रेगुलर बेसिस पे। और साथ ही साथ में आपको ग्लोबल अपडेट्स अभी मार्केट में जो न्यूज़ आई है, रिसेंट न्यूज रहती है, वो भी मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो आप इसको भी इजीली फॉलो कर सकते हो, ये भी हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, और साथ ही में आप इसमें रेगुलर अपडेट भी पा सकते हो। सो जस्ट फॉलो अस, सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड थैंक यू।